सीजन 3 इंडिया की सबसे बड़ी टेनिस लीग जिसने ठाना है टेनिस को एक ऐसे मकाम पर ले जाने का जहां आज तक किसी ने सोचा भी ना था। 21 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक चलने वाली ये लीग के टीम ऑक्शन के दौरान हमें एक जुनून से भरा माहौल देखने को मिला। वेलकम टू द थर्ड एडिशन प्रो टेनिस लीग, द बिगर द बेटर द बोल्डर। 2018 और 2019 की बड़ी सफलता के बाद पीटीएल सीजन 3 की शुरुआत हुई एक धमाकेदार टीम ऑक्शन से, जिसमें उच्च स्तरीय टेनिस खिलाड़ी जैसे साकेत मिनली, प्रेरणा भांबरी, रामकुमार रामनाथन और विष्णु वर्धन की ऊंची ऊंची बोलियां लगी। 23, टीम ओनर्स और मेंटर्स की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती थी जब उनका मनपसंद खिलाड़ी उनकी झोली में आ गिरता था। जीशान अली इंडियन डेविस कप टीम के हेड कोच और नेशनल टेनिस सेंटर के हेड जीशान अली पीटीएल से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। पीटीएल का योगदान टेनिस को बढ़ावा देने में अग्रसर है, लीग है, ऑक्शन है, मैचेस हैं, ऐसा मानना है जीशान अली का। यू रिमेम्बर NSCI 1989, आपका भी वही टाइम है कि व्हेन नेक्स्ट जेन प्लेयर्स आर देयर, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दोस प्लेयर्स देयर नेक्स्ट जेन एंड दे आर गेटिंग ऑन द बिडिंग टेबल? वेरी एनवियस, वी नेवर हैड एनीथिंग लाइक दिस व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। व्हाट डू यू से मायू? I won Asian Games, came back and just got a pat on the back. Not even a bicycle? No, that's asking for too much. Great, sir. Team owners और उनके mentors का जोश देखने लायक था। मेरे साथ हैं आज the owner of Team Radiant, Radhika Khetrapal. Hi, Radhika. Hello. Thank you for meeting me and thank you for interacting with me and knowing more about my team. Radhika, the first and the foremost is, क्या सोच के नाम रखा है रेडियंट? सो रेडियंट, माई फादर ऑशम खेत्रपाल हैपन्स टू बी वन ऑफ द पायनियर्स इन स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर एंड हिज अकेडमी वॉज कॉल्ड रेडियंट, जहाँ पे मैंने भी खुद लॉन टेनिस खेला था एंड दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट केम इन ऑल ऑफ अ सडन एंड आई वॉज लाइक दिस इज इट, वी गोइंग टू बी इन दिस लीग एंड वी गोइंग टू बी प्रमोटिंग सम मोर स्पोर्ट्स प्लेयर्स and we're going to call it radiant, nothing else but radiant, kyunki pehle bhi hum radiant mein, radiant se ek emotional value jagta hai, you know, like delhi mein india ke kitne players ne radiant academy mein khela hua hai, so I think it's just a comeback. Exactly, we have the coach and mentor of the team radiant, Yannick with us. Yannick, hi. Yannick, I would like to know, are you satisfied with the players you have right now with you? Yeah, I mean, with the allocated budget and, you know, the kind of maneuvering we had to do in the team, I think we are very satisfied with the team. And we're looking forward to the event. It's a lovely event and, it's, you know, in sports, these kind of events are very important. These are the ones. Budget 1 crore for 5 players. That's not less budget, let me tell you that. So, bummer, but yeah. Okay, now I could see some action between the mentor and the owner. So, ये bond कैसा है आप दोनों का? मजेदार है? लड़ाई भी होती होगी काफी? नहीं नहीं, बहुत बहुत मजेदार है. We were having a ball, बहुत मजा आ रहा था. And she was, you know, having a lot of faith in me throughout the process. And she had some intuitions. So I also kind of respected it when it mattered. So it was बहुत मजा आ रहा था. It was great. I mean, in fact, we've become really good friends now. So let's see, let's hope it continues like this. I would like to have a reaction on PTL. आप लोगों को क्या लगता है कि PTL किस हद तक इस टेनिस को देश में बढ़ावा दे सकता है? What do you think? I mean, क्रिकेट के मुकाम तक ले जा सकता है क्या पहले, राधिका? I think अभी बहुत टाइम है क्रिकेट के मुकाबले जाने की. शुरुआत अच्छी है, बट यही, लाइक यू नो, देर आर मोर पीपल हु नीड टू गेट इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसे टूर्नामेंट्स और ज्यादा से ज्यादा हुए, हम लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, सेलिब्रिटीज के थ्रू, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स इंटीग्रेट करके इसको और बढ़ा सकते हैं. एंड आई थिंक विद दिस लीग द बेनिफिट ऑफ यू नो रेडियंट इज दैट देयर इज ऑलरेडी अ बैक, ये बैकग्राउंड है हमारा, हम लोग प्रमोशन में भी है, हम लोग इवेंट्स में भी है, मूवीज में भी है, तो we've all put it together to promote this and hopefully ab tennis ke bare mein zyada baatein hongi and that's the plan, fingers crossed. This is not the first league together, aage sare leagues
टीम रेडिएंट पार्टिसिपेट करती रहेगी और स्पोर्ट्स स्टार्स को प्रमोट करती रहेगी। एग्जैक्टली यानी पीछे ट्रॉफी देख रहे हैं आप, कुछ लाला चारा लेके भाग जाओ इसे। एज अ स्पोर्ट्समैन कभी भी ट्रॉफी लेके भागने में मजा नहीं है, उसको जीतने में ही मजा है। एग्जैक्टली बिल्कुल जीत के भागेंगे। बट जो आपने पूछा पीटीएल का, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। बेसिकली इन स्पोर्ट्स ग्लैमराइज करना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सोशल मीडिया इतना प्रेविलेंट हो गया है यू नो इन सोसाइटी एंड यंगस्टर्स के साथ, दैट वी हैव टू ग्लैमराइज स्पोर्ट्स टुडे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये, तो इस तरह के इवेंट्स उनको थोड़ा पब्लिसिटी देते हैं, प्लेयर्स को थोड़ा सा रिकग्निशन मिलता है, उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है यू नो आगे और अच्छा खेलने के लिए। सो दीज इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि मतलब यही इवेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो पीपल लाइक यू हु आर कवरिंग टेनिस प्लेयर्स एंड यू नो मेंटर्स, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस। सो आई होप कि ये आगे भी बढ़ता रहे और ऐसे ही हम लोग यू नो स्पोर्ट्स को आगे निकालते रहे। आई हैव बीन अ टेनिस प्लेयर, आई एम ऑल्सो एन ओडिसी डांसर, सो दैट कम्स इन टू प्ले ऑफ कोर्स। बट स्पोर्ट्स के हिसाब से आई थिंक अभी भी बाकी है। There's tournament coming in. I'm also back to action. I'm going to the gym. I'm exercising. Everything. Getting myself in place. हम भी बहुत enjoy करने वाले हैं PTL season 3. देखते हैं कौन लेके जाता है ये खूबसूरत trophy अपने साथ. हर player की बोली बढ़ चढ़ कर लग रही थी। मजेदार बात ये रही कि कई बार bidding केवल दो teams में ठन जाती थी। ऑक्शन अपनी दिलचस्पी की चरम पर तक पहुंचा जब टीम इंडिया एविएटर्स की ओनर ऋतु दुबे भाटिया, जो कि 15 साल की आईटीएफ जूनियर और एआईटीए जूनियर की प्लेयर दीवा भाटिया की मां है, मुश्किल में पड़ गईं। सवाल ये उठा कि वो अपनी ही बेटी को टीम में लें या ना लें। आखिरकार खिलाड़ी की प्रतिभा सर्वोपरि रखी गयी और दीवा भाटिया गयी टीम इंडिया एविएटर्स की झोली में। टीम इंडिया एविएटर्स की ओनर ऋतु दुबे भाटिया की पीटीएल में भागीदारी तो पहली बार है, पर वो उत्साहित ऐसे दिख रही हैं, पता नहीं जमाने से उनका पीटीएल से कोई खास नाता है। आज मेरे साथ हैं इंडियन एविएटर्स टीम की ओनर ऋतु दुबे भाटिया। शी इज द को ज्वाइंट ओनर विद हस्बैंड कपिल भाटिया एंड हर ओन डॉटर दीवा भाटिया इज अ पैशनेट टेनिस प्लेयर। ऋतु जी आपका स्वागत है इस लीग में। मैं जानना चाहूंगी कि आज सिलेक्शन डे पे आप खुश हैं अपने चुनिंदा प्लेयर्स को अपनी टीम में पाकर? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमने जो प्लान किया था हम उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वी हैव अचीव्ड 80% ऑफ सक्सेस, सो दैट्स अ बिग वन एंड वी हैव ऑल द प्लेयर्स वी वांटेड इन आवर टीम। ग्रेट, एंड यू हैव योर डॉटर ऑल्सो इन द टीम नाउ, दैट्स अ बिग बोनस। पीटीएल के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? आपको क्या लगता है कि पीटीएल लीग 3 जो है ये हमारे देश में टेनिस को कितना आगे ले जा सकती है? ये जो पीटीएल है मुझे इसका सबसे अच्छा पैरामीटर्स ये लगते हैं कि यू गेट टू प्ले विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स, लाइक लेवल 1 प्लेयर्स विद लेवल 2 एंड देयर सो मेनी डबल्स, मिक्स्ड डबल्स एंड सो मेनी राउंड रॉबिन्स दैट यू गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले मेनी 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 मैचेस एंड देन यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट बिकॉज द स्कोरिंग ऑल्सो टेक्स इंटू इज ऑल्सो टेकन इंटू अकाउंट। सो मुझे लगता है कि इससे नए जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं उनको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कम इन द फोरफ्रंट एंड रियली शो देयर स्किल। एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग टेनिस एंड सपोर्टिंग टेनिस, व्हाट ऑल यू लाइक टू डू इन द एंटायर डे अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग? आल्सो आई नो यू आर अ ट्रैवल फ्रीक, सो प्लीज। Yes, I travel a lot with my daughter for her tournaments. Otherwise, I'm a professional architect and interior designer. And we have our own firm, me and my husband, both of us. So, everything we do joint. So, whatever time I get apart from my daughter, I put into my work. That's all I have. So, this is the very first time you are participating in PTL. What hopes you have? I have high hopes, especially when it comes to experience and exposure of these young players. And my daughter being one of the players, I feel it would be a wonderful opportunity for her to interact with these players and get to know them. And then when you know them personally, one-on-one, it makes a hell lot of difference. Thank you so much, Ritu ji. Team ke coach Jignesh Rawal ki sangharsh ki kahani bhi kuch kam nahi thi.
आ छोकरानी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग छे और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसकी जिंदगी की जो इंस्पायरिंग कहानी है वो आपको भी इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि मुझे तो कर चुकी है। आइए सुनते हैं इनसे इनकी जुबानी। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड आई वाज वेरी मैड अबाउट टेनिस एंड माय फादर इज अ बैंकर and my whole family is very very educated family and they were not keen that I'm doing my career in tennis. They were worried always, so my father did not like it that I play so much tennis. So one day I bunked the school and I went to play tennis, and somehow my father found it out that I didn't go to a school. So in terms of punishment, he took all money from me. He took, I had a scooter those days. He took a scooter from me, so I didn't have any choice. And that's how do I transport. So next day I had a tournament coming up, and venue was 26 kilometers far away. I wake up 1 a.m. in the, very early morning, took a shower, and I start walking with my kid bag. I walked 26 kilometers to a venue, played a match, and came back again in the same manner, 26 kilometers. So that day, I walked 52 kilometers and played a match. And after that day, my father thought that I'm meant for tennis, and he supported me for my whole life. So, logo ne hathiyar dal diye aapke izzat aur jazbe ke samne. Global ranking holder आदित्य खन्ना, जो कि पीटीएल के को फाउंडर हैं और नेशनल इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर भी हैं, इनके साथ की गई गुफ्तगु भी कम मजेदार नहीं थी। आपने सुना ही होगा, अ चैंपियन इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग एंड एवरीवन एल्स इज अफ्रेड ऑफ विनिंग। राइट नाउ वी हैव अ ट्रू चैंप फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑफ टेनिस, मिस्टर आदित्य खन्ना। आदित्य, आप इंडियन 35+ मेंस टीम के कैप्टन हैं, ये जो मुकाम आपने हासिल किया है वो कैसे किया है? फॉर मी टू बी कैप्टन ऑफ द इंडियन 35 मेंस टीम इज द बिगेस्ट ऑनर, टू बी ऑनेस्ट, टू बी एबल टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एट एन इंटरनेशनल लेवल ऑन एट एनी स्टेज आई थिंक इज एन ऑनर, एंड फॉर द स्पोर्ट विच आई लव एंड हैविंग प्लेड फॉर मोर देन 30 ईयर्स आई एक्चुअली I think after playing for 30 years, I got this opportunity to represent India in the men's category for 35+, and I think I dreamt of this all my life. And now having got that, it's nothing like this than to represent your country is the biggest honor for me, to be honest. And you are ranked top 20 in the world, right? So, I mean, आप 35+ तो कहीं से लगते ही नहीं हैं, तो अपने आप को आप इतना फिट कैसे रखते हैं? See, tennis is a very, very competitive sport. It's very high on fitness. I'll hold the mic. It's very high on fitness, and I think to compete at an international stage, one has to keep yourself physically fit. So for that, I follow obviously a strict diet on a daily basis, which is high protein. And I'm also training at least 3 to 4 hours a day, both on my physical fitness, and I'm also playing tennis regularly 5 days a week. And tennis being a very strenuous and a grueling sport, I think it automatically adds to your fitness. And if you want to compete at a world stage, if you want to play the long matches, if you want to be able to beat your opponents and last longer, you have to be physically fit, because being physically fit makes us better in tennis and against the opponent as well. So key for being a champion in tennis is to be first physically fit and then obviously improve your skill. How do you see PTL taking tennis a step ahead in this country? So way the concept of PTL came over was that obviously we saw many successful leagues in India which are happening, including IPL and other formats of the sports, which have adopted a shorter format of the game to encourage more fan base, to encourage more viewing in online as well, and through TV platforms, and to entertain the audience as well. So tennis overall as a sport is not a team sport, it's mainly an individual sport.
So we wanted to come up with a concept where tennis can be made into a team sport, where every player sort of gets divided into eight teams or 10 teams, and a team would consist of 6 or 7 players, which will consist of a pro, men's pro, a women's pro, a junior champion, and an over 35 player. You know, to amalgamate that into a concept which is very unique, and you know, it's probably the only sport in the world or only sport in India as well, where a league where a man and woman are in the same team. And that's how the concept of Pro Tennis League came, because we wanted to obviously encapsulate the popularity of leagues in India, and tennis is such a popular sport globally as well, and in India as well. And I think a league was needed like this to popularize the sport further, and for our Indian stars also to be seen in the eyes of the Indian audience. Great. Who is your favorite player? और कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो उनसे मिलने के दौरान आप शेयर करना चाहेंगे? Well, being a true Indian, my favorite player has to be an Indian player, and from India is obviously Leander Paes. I have many memories with him, seeing him in many Davis Cup matches when India has played Croatia, when India has played France against France in the quarterfinals in Davis Cup. And you know, I've seen him win Junior Wimbledon, and he's been a family friend of mine, so I've had many interactions with him, and I've always been courtside whenever his matches are going on in India to cheer him up, and to always, you know, he's been such a legend for India, you know, the winning an Olympic bronze medal as well, and having probably the highest number of doubles wins in Davis Cup. So he's been a true legend of Indian tennis, and knowing him personally and what he's done for the sport as an Indian player, my favorite choice is Leander Paes. But obviously I have international favorites as well, which include Rafa Nadal and Novak Djokovic currently. So I've had some interaction with Nadal as well, with Rafa Nadal, when I was the Davis Cup director when India was playing Spain. And Rafa was here in India, and you know, at that time, so you know, just to see him, his work ethic, how disciplined he is, and how down to earth, and how what an amazing person, you know, and so humble, it's and so grounded, just shows what he's achieved in tennis. Him and Djokovic and Federer, actually all three of them. But what I mean, I've had a personal interaction with Rafa, but what he's achieved in tennis is only because of his true passion towards the sport, and he's so grounded, you know. I mean, he would just not care about the people around him. He would just go for runs, he would just go take on court one and just go start practicing, not worried about security, not worried about anything. He's so dedicated towards the sport, and just what these players bring to the sport, making tennis one of the most popular sports in the world, what they've done makes them my favorite players in the world. डीएमजी क्रुसेडर्स के मेंटर अरुण कुमार, जो कि एनटीसी के हेड कोच हैं, इन्होंने पीटीएल के कॉन्सेप्ट को काफी सराहा। पीटीएल सीजन 3 का, यानी प्रो टेनिस लीग सीजन 3, जो पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बहुत अवेटेड था ये इवेंट, और आज हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से टेनिस को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा लीग लेकर। और हमारे साथ आज हैं मिस्टर अरुण कुमार। यस, ही इज द कोच फॉर नेशनल टेनिस सेंटर। आपका स्वागत है इस शो में सर। सर, यू आर द कोच फॉर डीएमजी क्रुसेडर्स, विच बिलोंग्स टू मिस्टर उदय जैन। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस लीग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, द पीटीएल लीग, आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज ये लगातार तीसरी बार है कि आप इस लीग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम इन्वॉल्व विद द पीटीएल लास्ट 3 इयर्स, एंड आई थिंक पीटीएल इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग ऑल द टॉप प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ब्रिंग ऑल द प्लेयर्स अंडर वन रूफ वेयर दे कैन प्रैक्टिस विद ईच अदर, देन where they can interact with each other. So I think yes, it's a great, great event. तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पर निशान दब्बास हैं, अजय मलिक हैं, कशिश भाटिया हैं, करण सिंह जैसे प्लेयर्स हैं, इनको आप कोच कैसे करते हैं, आपका अनुभव इनको कोच करते वक्त कैसा रहता है? निशान दब्बा इज अ वेरी क्राफ्टी प्लेयर, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ गेम. कशिश भाटिया अगेन इज अ बिग गेम. अजय मलिक इज देयर, इज अ वेरी मीन्स ओवरऑल गेम. So yes, all different players, and they are very friendly with us. So it's a great, great environment in the NTC. The ecosystem of sports has gone through a bad, bad phase in last 1.5 years. So, us vakt, us door ko aapne kaise handle kiya? Tennis tab bhi
जारी रखा या उसे कहीं रोकना पड़ा? यस, नो डाउट कोविड हिट स्पोर्ट्स वेरी बैडली. ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल स्टेडियम वर शट डाउन एंड प्लेयर्स वर देयर जस्ट स्टक एट द होम. बट यस, मोस्ट ऑफ देम दे वर प्रैक्टिसिंग इनडोर, मींस जिम, फिजिकल ट्रेनिंग. सम ऑफ देम दे वर डूइंग बॉल प्रैक्टिस ऑन देयर टेरेस. And means most of the time we interact with each other on the means social media through it. So yes, it's affected very badly. Thank you so much, Arun sir. It's a pleasure having you here, and we wish all the best to you and your team. And let's see who is going to take away the trophy. 4 lakhs from your girls. Last bit, 1, 2, 34.5. हमारे साथ है स्टैग इंटरनेशनल कंपनी के ओनर मिस्टर राकेश कोहली. इनके बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि ये स्टैग योद्धास के मालिक हैं, जिन्होंने 2018 में लीग को जीता था. पीटीएल का जो मेरे लिए जो मतलब है, इट इज फॉर पैशनेट टेनिस लवर्स. तो जब पैशनेट टेनिस लवर्स जब इकट्ठे होते हैं तो टेनिस डेफिनेटली जो इम्प्रूव करता है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इवेंट फॉर ऑल द टेनिस लवर्स. And it will take tennis to greater heights. It's a beginning, and I think it will go much higher. Okay, and he is the 65+ tennis champion himself. इतनी उम्र में अपनी फिटनेस को आप इंटैक्ट कैसे रखते हैं, मैं जानना चाहूंगी. See, I have to do a little bit of gymming every day, and of course, I play about 1.5 to 2 hours tennis every day. So that's a regular regime. ये स्टैग योद्धास जो आपने नाम रखा है, क्या सोच के रखा है? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम हर साल जो है, जो हमारे खास लोग हैं जो अपना परफॉर्म करते हैं अच्छा, तो उनको हम अवार्ड देते हैं और उनको हम योद्धास बोलते हैं. तो योद्धास का मतलब ये है कि जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं सबसे. तो इसीलिए हमने अपनी टीम का नाम भी जो है स्टैग बैबुला योद्धास रखा. मैं हूँ सुप्रिया सक्सेना. तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और जानते रहिए प्रो टेनिस लीग सीजन 3 का हर एक जरूरी अपडेट ओनली ऑन न्यूज़एक्स इंडिया न्यूज एंड स्पोर्ट्स फ्लैशेस. PTL Season 3 2021 खेलेगा इंडिया, देखेंगे हम.